तो हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोहेमियन और बर्नो के बीच में खेले जाने वाले आज के दोस्तों क्वालिफायर वन मैच के बारे में, जो कि दोस्तों आज के चेकिया टिटेन का क्वालिफायर वन खेला जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। बात करेंगे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में रखना है, और बात करेंगे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में करके चलना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल जाइए दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे टॉस एंड लाइनअप के अपडेट आपको दे देता हूँ, और एक जो मेरी डेमो टीम रहती है ना वो आपको मिलेगी सिर्फ यहीं। ठीक है, सिर्फ यहीं आपको मैं डेमो टीम दूंगा, जिसमें थोड़ा बहुत आप चेंजेस करके ना आपकी खुद की अच्छी टीम बना सकते हैं, और यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट प्रोडिक्शन आपको गिवियज वगैरह भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पे रहोगे तो थोड़ा बहुत आप फायदे में भी रह सकते हो। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में है इसी वीडियो के, तो आप लोग जल्दी से जाइए, ब्लू कलर का लिंक दिखेगा आपको, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो दोस्तों मैच नंबर जो क्वालिफायर का रहेगा पहला, वो BCC और BRN के बीच खेला जाएगा, और मैच स्टार्ट होगा दोस्तों 12:45 में, और वेन्यू रहेगा चेक रिपब्लिक का। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा, और दोस्तों इस वेन्यू पे ना अभी तक 56 मैच खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 24 मैच, बैटिंग सेकंड ने 31 मैच विन किया है, और एक मैच जो है दोस्तों यहाँ पे अबंडेंट रहा था। एवरेज स्कोर आपको 70 से 110 के बीच में देखने को मिलेगा। बात करें दोस्तों टीम BCC के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम BCC की तरफ से साहिल ग्रोवर हैं और जाहिद महमूद, ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली ओपन करने चाहिए। साहिल ग्रोवर एक दोस्तों राइट हैंड बैट्समैन है, जो कि आपको विकेट कीपिंग भी कराते हुए दिखता है कभी कभी। ठीक है, इस सीरीज़ में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है दोस्तों, यहाँ से आप लोग इसका परफॉर्मेंस को रीड कर सकते हो, कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है अभी तक दोस्तों। यहाँ तक इसका हाईएस्ट 59 नॉट आउट वाली इनिंग रही, 65 नॉट आउट, ठीक है, 61 तक की इनिंग इसने खेला है, मतलब तो मैक्सिमम इनिंग्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है साहिल ग्रोवर। और विकेट कीपिंग अगर कराता है और ओपनिंग पे बैटिंग आता है दोस्तों, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का भी चॉइस रहने वाला है आज के मैच में साहिल ग्रोवर। बाकी दोस्तों उसके साथ जो ओपनिंग पे आ रहे हैं जाहिद महमूद हैं, लास्ट के मैचेस से दोनों ओपन कर रहे हैं, और जाहिद महमूद का भी परफॉर्मेंस काफ़ी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 36 नॉट आउट, 35 नॉट आउट, 29 और 20 रन की इनिंग देख सकते हो। लास्ट के कुछ मैचेस ऐसे खेले हैं जिसमें इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, तो दोनों ओपनर इनकी टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो दोनों को लेकर के चलेंगे दोस्तों। साजिब भुयान है, इनकी टीम का एक बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है, जो कि 2 ओवर की बॉलिंग के साथ साथ आपको 1 डाउन पे बैटिंग करने के लिए आता है दोस्तों। ठीक है, हालांकि लास्ट के दोनों मैचेस में विकेट लेस रहा है, लेकिन दोस्तों बैटिंग से यहाँ पे 62 नॉट आउट, 39 नॉट आउट, 4 नॉट आउट, यहाँ पे 12, यहाँ पे 56 नॉट आउट, और यहाँ पे 11 मैक्सिमम टाइम दोस्तों नॉट आउट रहा है, मैं देख पा रहा हूँ इसको। प्लेयर काफ़ी बढ़िया है, तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चलना है साजिब भुयान को, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों मार्टी वर्डल हैं, जो कि हर मैच में दोस्तों परफॉर्मेंस तो नहीं करता, लेकिन दोस्तों एक आध मैच ऐसा आता है जिसमें ये स्कोर करके चला जाता है, जैसे 45 नॉट आउट वाला इनिंग, 18 नॉट आउट वाला इनिंग। बाकी दोस्तों ड्रॉप करना चाहो तो इसको ड्रॉप करके चल सकते हो, किसी किसी टीम में पिक कर लेना ग्रैंड लीग के। शकलेन साकी मुख्तर हैं, प्लेयर 1 से 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता हुआ दिखेगा आपको, खेलेगा तो लास्ट के मैच में 1 विकेट 1 ओवर डाल के, उससे पहले 1 विकेट 2 ओवर डाल के, और उससे पहले 2 विकेट 2 ओवर डाल के। कुछ मैचेस ऐसे भी गए हैं जिसमें दोस्तों विकेट लेस रहा है, लेकिन दोस्तों बॉलिंग अच्छा कर लेता है शकलेन साकी मुख्तर, तो खेलेगा तो बिल्कुल ध्यान देना इसका। ठीक है, लेकर के चलना, और इस सीरीज़ में इसका परफॉर्मेंस आप यहाँ से रीड कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आएंगे रोहित खुंगर, ड्रॉप करके चलेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से उनको चांसेस मिलने के बहुत कम उम्मीद है। ठीक है, जावेद इकबाल आएंगे दोस्तों यहाँ से, इनकी टीम का एक बढ़िया बॉलर है जो 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता है, यहाँ पर 1 विकेट, यहाँ पर 2 विकेट, यहाँ पे दोस्तों 28 नॉट आउट किया था। उसके बाद दोस्तों ये कंटिन्यू 3 से 4 मैचेस के अंदर ना विकेट लेस रहा था, लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया प्लेयर है मैं आपको बता दूं। ठीक है, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा और एक बेहतरीन बॉलर है, स्टार्टिंग के ओवर में बॉलिंग करता है, तो लेकर के चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जिसन अजीम है दोस्तों, ये भी 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स रहता है इसका करना, हालांकि दोस्तों अभी ये कंटिन्यू
बहुत सारे मैचेस में विकेट लेस रहा है, इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों ओवरऑल एक अच्छा प्लेयर है जो कि दो ओवर की बॉलिंग फिक्स करता है। दोस्तों इसको विकेट मिले चाहे मत मिले, लेकिन दो ओवर की बॉलिंग करना इसका फिक्स है। इसीलिए दोस्तों इसको ड्रॉप करना थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि T10 के अंदर जो बॉलिंग करता है उसको कभी ना कभी विकेट मिल ही जाता है। उसके बाद दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट आएंगे, इनको ड्रॉप करके चलेंगे टीम की तरफ से। उतना ज़्यादा इनको मौका नहीं मिला है, हालांकि लास्ट के मैच में दोस्तों एक विकेट है एक ओवर डाल के, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा। आरिफ जावेद हैं, इनका दोस्तों परफॉर्मेंस देख सकते हो, एक मैच में रहा है दो विकेट दो ओवर डाल के, बाकी मैचेस में दोस्तों चांस नहीं मिला और या तो फिर विकेटलेस रहा है। तो मैं इसको GL के लिए प्रीफर कर सकता हूँ कि GL के एक आध आधा टीम में आप रख सकते हो, बाकी स्मॉल लीग में तो ड्रॉप करके चलेंगे। दोस्तों अब्दुल फरहाद है, खेलेगा और टीम की तरफ से मौका मिलेगा दो ओवर का तो दोस्तों बिल्कुल परफॉर्मेंस लेकर के देगा। अभी तक दोस्तों जब जब बॉलिंग किया है विकेट इसको मिला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो अब्दुल फरहाद को। तो बॉलिंग करेगा दोस्तों तो बिल्कुल आपके लिए ट्रंप रहेगा, तो लेकर के चल सकते हो, तब की सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट रहेगा। अभी के लिए दोस्तों आप इनकी टीम से ले लीजिएगा साहिल ग्रोवर को, जाहिद महमूद को लेना, साजिब हुयन है इनको ट्राई करो, और सकलेन साकिब मुख्तर हैं, जावेद इकबाल हैं, जिशन अजीम हैं, और नीचे से दोस्तों आप अब्दुल फरहाद को ले सकते हो, ठीक है। बाकी इनके बेंच के प्लेयर में से कोई भी खेलेगा तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, आप लोग सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड एक बार देख लो, ठीक है, ताकि आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों बात करूँ यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर की, तो जावेद इकबाल हैं, साजिब भुयन हैं, जिशन अजीम हैं। डेथ के ओवर्स में दोस्तों साजिब भुयन हैं, जिशन अजीम आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। आगे बात करें दोस्तों टीम VRN के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों सत्यजीत सेन गुप्ता हैं जो कि दो ओवर की बॉलिंग करेगा, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। कैप्टन का वाइस कैप्टन का प्रबल दावेदार रहने वाला है सत्यजीत सेन गुप्ता, ओपनिंग पे आ रहा है प्लस दो ओवर की बॉलिंग भी कर रहा है। दोस्तों परफॉर्मेंस इसका देख सकते हो इस सीरीज में ज़बरदस्त रहा है बैटिंग बॉलिंग दोनों से, ठीक है, तो बिल्कुल इसको लेकर के चलेंगे। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने तो मैच खेला ही होगा तो पता ही होगा। मोहम्मद रतूल आएंगे, लेफ्ट हैंड बैट करते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखते हैं आपको, कभी कभी विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे। परफॉर्मेंस दोस्तों इसका भी बेहतरीन रहा है, 94 नॉट आउट, 16-70 91 नॉट आउट, लास्ट मैच में 4 रन की इनिंग। तो ओवरऑल एक अच्छा प्लेयर है दोस्तों, CVC का ये भी चॉइस रहने वाला है ग्रैंड लीग के अंदर, तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों लास्ट मैच में डेलियन स्टेन आए थे, जिनका दोस्तों फर्स्ट मैच था उसमें डिड नॉट बैट रहे थे, लेकिन सेकंड मैच में जब इनका बैटिंग आया तो दोस्तों आउट हो गया था बंदा 0 पे, ठीक है। बाकी ये प्लेयर अच्छा है, 34 मैच में दोस्तों 520 रन है, 20 का एवरेज है इसका, तो खेलेगा तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एच उल्लाह आए थे, प्लेयर ये बढ़िया है लेकिन दोस्तों बैटिंग के बहुत कम चांसेस रहते हैं इसके, और बॉलिंग इस कर नहीं रहा है तो दोस्तों मैं इसको प्रीफर नहीं करूँगा। रियाज आफरीदी इनकी टीम का एक बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है जो दो ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता है, लास्ट के मैच में 2 विकेट रहा था, उससे पहले दोस्तों विकेट ले रहा था कुछ मैचेस में, फिर यहाँ पे 2 विकेट 1 विकेट, तो परफॉर्मेंस के नाम पे दोस्तों ये भी एक अच्छा परफॉर्मर है कि बॉलिंग से या फिर बैटिंग से किसी न किसी चीज़ से आपको पॉइंट्स दे करके जाएगा। लेकर के चलेंगे दोस्तों, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी चॉइस करके चलना है इसको, इम्पॉर्टेंट रहेगा। ए अरुण मुगम है दोस्तों, 48 नॉट आउट लास्ट मैच का इनिंग रहा था इसका, और उससे पहले 30 और 26 रन की एक बढ़िया इनिंग खेल भी चुका है, बाकी ओवरऑल 4 मैच में 80 रन है, 20 का एवरेज है, बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान देना खेलेगा तो, ठीक है। GL में तो बिल्कुल ध्यान दे करके चल सकते हो अगर चाहो तो आप लोग। उसके बाद दोस्तों सयान खान है जो कि दो ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करा रहा है, ठीक है, और विकेटलेस जाता है मैक्सिमम, लेकिन दोस्तों परफॉर्मेंस भी इसका काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है, आप यहां से देख सकते हो, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, हालांकि यहां पे भी विकेटलेस रहा था लेकिन यहाँ 1 विकेट है, और कुछ मैचेस में दोस्तों रन्स भी किए हैं 12 19 13, तो बैटिंग आया तो बैटिंग से भी पॉइंट दे करके जाएगा और बॉलिंग कर लेगा दोस्तों, ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पिक होता है। और उसके बाद आएंगे राहत अली, इनको दोस्तों मैं ड्रॉप करने का सोचा हूँ, टीम की तरफ से इनको मौका नहीं दिया जा रहा है उतना, और स्टार्टिंग में दोस्तों इसको बहुत मौका दिया गया जिसमें 16 नॉट आउट 36 नॉट आउट 44 नॉट आउट वाली इनिंग खेला है ये, बाकी दोस्तों धीरे धीरे ना टीम इसको मौका देना कम कर दिया है, और इसीलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको लेने के लिए डरता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग GL में ट्राई करना, स्मॉल लीग में ड्रॉप कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अरुण कुमार वासुदेवन है, इनको मैं ड्रॉप करके चल सकता हूँ, लेकिन टीम की तरफ से इनको एक आध ओवर ऑफर किया जाता है, बाकी दोस्तों मैं अभी के लिए नहीं लूँगा।
नावीद अहमद एक अच्छा प्लेयर है जो 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करेगा, टीम में लेकर के चलना दोस्तों। और 2 ओवर की बॉलिंग नहीं किया तो 1 ओवर तो फिक्स रहेगा। यहाँ पे 2 विकेट लास्ट मैच में, उससे पहले 13 नॉट आउट किया था, विकेटलेस रहा था, फिर यहाँ 2 विकेट 1 विकेट, ठीक है। परफॉर्मेंस देख सकते हो इसका ठीक ही ठाक है, और ऐसे मैचेस में विकेट लेता है जिसमें आप उम्मीद नहीं किए रहोगे, ठीक है। नीरज मिश्रा हैं, ये भी 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स करता है, इसकी इसको विकेट मिले चाहे मत मिले, लेकिन इस 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स है। यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट, यहाँ 1 विकेट है दोस्तों। प्लेयर बढ़िया है, बिल्कुल टीम में लेकर के चल सकते हो आप लोग, हालांकि विकेटलेस रहता है, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी रहेगी। इनकी टीम से अभी के लिए मैं पिक करने वाला हूँ दोस्तों सत्यजीत सेन गुप्ता और रतुल को लेकर के चलूँगा, और यहाँ से दोस्तों डी स्टैन या फिर दोस्तों एच उल्ला, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को लूँगा, बाकी रियाज आफरीदी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और नीचे से दोस्तों सयान खान एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, और नावीद अहमद एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, और यहाँ से नीरज मिश्रा। नावीद अहमद या नीरज मिश्रा, दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेना, दोनों को मत लेना। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर में से कोई भी खेलेगा तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा दोस्तों, देख लीजिए सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप लोग। स्टार्टिंग के ओवर की बात करूँ तो सत्यजीत सेन गुप्ता हैं, नीरज मिश्रा हैं। डेथ ओवर्स में दोस्तों सत्यजीत सेन गुप्ता, रियाज आफरीदी बॉलिंग करते दिखेंगे। तो ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें दोस्तों एक डेमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करो, आज फुल सपोर्ट दिखाना आप लोग का, ठीक है। बात करूँ दोस्तों यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो यहाँ से देखो ग्रोवर को तो ड्रॉप नहीं कर सकते, रतुल को भी ड्रॉप नहीं कर सकते, और महमूद भी दोस्तों विकेट कीपिंग कभी कभी कराता है, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओपनिंग पे आ रहा है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान देना, तो इसको भी पिक करके गया हूँ मैं। बाकी दोस्तों बैटिंग सेक्शन में आ जाएँ, तो बैटिंग सेक्शन से दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो शकलेन शाह के मुख्तर बॉलिंग करेगा आपको, बाकी दोस्तों नीचे के प्लेयर्स तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर के प्लेयर की ही बात करें, वंडल हैं जो कि दोस्तों परफॉर्मेंस इनका कंसिस्टेंट नहीं है, अरुण मुगर है जो कि दोस्तों इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो अभी के लिए साकिब मुख्तर को ले रहे हैं। एक प्लेयर कंपलसरी है लेना, अगर अदर टीम वाले हैं तो आप यहाँ पे दोस्तों अरुण मुगम को ले सकते हो, वंडल को लेकर के चल सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं ऑलराउंडर सेक्शन में आऊँ तो यहाँ से दोस्तों भुयन है, सेन गुप्ता है, तो 2 प्लेयर्स तो बिल्कुल नहीं टीम में लेना है, क्योंकि 2 ओवर की बॉलिंग प्लस टॉप ऑर्डर बैटिंग है इनका, तो इन दोनों को तो लेकर के चलना है। बाकी दोस्तों उतने मुझे अच्छे प्लेयर नहीं दिख रहे हैं जिनको मैं अपनी टीम में लेकर के जाऊं, ठीक है। बाकी दोस्तों आ जाऊं मैं बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है मोहम्मद रियाज, जिनको रियाज आफरीदी कहा जाता है, ठीक है, ये प्लेयर मेरी टीम में रहेगा। उसके बाद दोस्तों जावेद इकबाल हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। सयान खान एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे दोस्तों, तो इनको अपनी टीम में लेकर के चलूँगा। अब्दुल फरहाद है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो 6% सिलेक्शन है, लेकिन प्लेयर बढ़िया है, तो इनको मैं लेकर के चलूँगा बिल्कुल, अगर खेलेगा तो, ठीक है। और बाकी दोस्तों नीचे से उतने अच्छे प्लेयर तो नहीं लग रहे हैं, मुझे एक प्लेयर और चाहिए, तो दोस्तों आपके पास जिसन अजीम एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, एन अहमद, एन मिश्रा, इनमें से दोस्तों आप किसी को भी लेकर के चल सकते हो। इवन मैं आपको बोलूँगा कि जिसकी टीम पहले बॉलिंग करेगा ना, आप उसको प्रीफर करना, जैसे कि बीसीसी की टीम पहले बॉलिंग करे तो जिसन अजीम को ले लेना, और नहीं करे तो दोस्तों एन अहमद या एन मिश्रा से, दोनों में से किसी एक को लेना। अभी के लिए अजीम को लेकर के गया हूँ, तो दोस्तों ये मेरी दोस्तों अभी के लिए क्या है, डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको आफ्टर टॉस टेलीग्राम पर मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो सेन गुप्ता एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, साजिब भुयन वाइस कैप्टन कैप्टन का ऑप्शन रहेंगे, साहिल ग्रोवर एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, मोहम्मद रतुल भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, ठीक है। मोहम्मद रियाज भी दोस्तों एक बढ़िया ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों मेरी फाइनल टीम जो रहेगी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी आफ्टर टॉस, ठीक है, तो ये टीम आप ज्वाइन कर सकते हो, मैं जो मार्क किया हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, और मेरी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी आफ्टर टॉस, ठीक है, विद कैप्टन वाइस कैप्टन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।